Students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. Today we will discuss about the cloning vector, means which steps are required for making a vector that should be take a foreign DNA into it. So let's discuss about the topic, that is cloning vector. So the steps required is origin of replication, selectable marker, cloning sites, and vectors for cloning genes in plants and animals. So first we will discuss about the cloning vector with origin of replication. So here we take PBR322 as the cloning vector, which will take a foreign DNA. So how this process will occur? अभी हम देखते हैं कि जो origin of replication होता है, जिसको in short ORI कहा जाता है, this is a sequence from where replication starts. ठीक है, या ये वो sequence है और वो origin है, region है जहाँ से replication start होता है. And any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. मतलब जब हम एक alien piece of DNA को उसके अंदर डालेंगे तो वो उस host body के अंदर, मतलब जिसको हमने vector लिया है उसको अभी हम consider कर रहे हैं आज host, तो उसके अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, उसका replica form करेगा, मतलब copy form करेगा. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. और साथ में जो DNA हमने लिंक किया था, जोड़ा था, उसका कॉपी नंबर भी बनाएगा. सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर. इसका मतलब क्या समझ में आ गया? पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझो. ये वेक्टर के अंदर वो एरिया होता है जहाँ से रेप्लिका स्टार्ट होता है जब हम एक फॉरेन DNA को अटैच करते हैं. फिर उसके बाद हमेशा एक ऐसे वेक्टर को चूज किया जाता है जिसकी ओरिजिन सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर बनाने के लिए, मतलब 1000 million कॉपी नंबर बनाता है जो डिजायरेबल पीस ऑफ DNA को हमने इंट्रोड्यूस कराया था. उसके बाद जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, हमें सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए. एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में आपने जाना, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मांट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मांट से, मतलब किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है. सो इट विल हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसफॉर्मांट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मांट्स. सो इन एडिशन टू ORI, द वेक्टर रिक्वायर्स ए सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मांट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मांट्स. मतलब जो हमने DNA को इंट्रोड्यूस कराया था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? वो आइडेंटिफाई करने का काम है सिलेक्टेबल मार्कर को. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम. ठीक है, सो नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाय. द नॉर्मल इकोलाय सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स. समझ में आ गया सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम लेते हैं एंटीबायोटिक को. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बना रहे हैं. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाने के लिए, ठीक है, जो सिलेक्टेबल मार्कर्स को चूज किया जाता है वो क्या क्या होता है? एम्पिसिलिन भी हो सकता है, क्लोरोएम्फेनिकोल भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है और कैनामाइसिन हो सकता है. तो इनको यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स कंसिडर किया जाता है. पर जो नॉर्मल इकोलाय है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम पढ़े हैं, नॉर्मल इकोलाय में ये कैरी नहीं करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को. ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम क्लोनिंग साइट्स.
मतलब कौन सी साइड से क्लोन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे पहले आप डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। इसका नाम कैसे दिया है, ये जो है प्लाज्मोडियम और ये है रोड्रिज एंड बोलीवर करके जो साइंटिस्ट है उनके नाम से दिया गया है। और आर जो है स्ट्रेन है 332, इसका सीक्वेंस है, मतलब ये जो स्ट्रेन है इसी सीक्वेंस से डिराइव किया गया है। यहाँ पे आप दो सिलेक्टेबल मार्कर देख सकते हो, एक एम्पिसिलिन रीजन पे है और एक टेट्रासाइक्लिन है, दो सिलेक्टेबल मार्कर। इन दोनों का काम क्या है, ये आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांसफॉर्मांट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मांट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो है हिंद 3, बाम एच 1, साल 1, PBU2, देन PST1, PBU1, EcoRI, CLF1, ये सब है। तो यहाँ पे हम क्लोनिंग साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स क्यों चाहिए वेक्टर को, अगर रिकॉग्निशन साइट ज़्यादा हो जाएगा तो सारी जगह पे इसका कॉपी नंबर फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा, इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट की ज़रूरत होती है, प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जेनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जो कि मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट। लाइगेशन मीन्स जुड़ना, एक एलियन DNA का जुड़ना, ये कहाँ से होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट से, जो कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साइट में प्रेजेंट हो, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रीजन में प्रेजेंट है बाम एच 1 एंड साल 1, और एम्पिसिलिन के रीजन में PST1 एंड PB1। तो ये जो है दोनों साइट के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यू लाइगेट ए फॉरेन DNA एट बाम एच 1, अगर यहाँ पे हमने एक फॉरेन DNA को लाइगेट करेंगे, मतलब अटैच करेंगे, तो क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322 का बाम एच 1 में जब एक फॉरेन DNA को अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। इसका मतलब ये है कि जब आप ये जो बाम एच 1 साइट है, इस साइट से आप अगर एक DNA को इंट्रोड्यूस कराओगे तो ये टेट्रासाइक्लिन अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी लूज करेगा। ठीक है, ये अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी को लूज करेगा। बट फिर भी इसको उसके अंदर रखा जाएगा, इसको हटाया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कौन सा जाके अपना कॉपी नंबर बनाया और कौन सा नहीं बनाया। ठीक है, तो सिंपली ये जो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया, ये सिर्फ इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA की वजह से हो गया और इसने अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी को लूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन DNA एट बाम एच 1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रीजन से फॉरेन DNA एंट्री करने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये क्या लूज करेगा, अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी को लूज करेगा इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA की वजह से। बट इसको इसके अंदर रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा क्यों, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा। कैसे करेगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है,
are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium, but not on the containing tetracycline. मतलब जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों जगह पे बनेगा बढ़ेगा एम्पिसिलिन में भी और टेट्रासाइक्लिन में भी, पर जो रिकॉम्बिनेंट है वो सिर्फ एम्पिसिलिन रीजन में बढ़ेगा. तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन को उसके अंदर रखेंगे तो वो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि रिकॉम्बिनेंट कौन है. क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन रीजन में ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है Splitting the transformants on ampicillin containing medium, the transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. तो ये भी आप समझ गए कि इंसर्शन की वजह से एक फॉरेन डीएनए का इंसर्शन की वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी लूज किया, बट स्टिल इट इज सिलेक्टेड बिकॉज इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको अगर हम जो रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं बना है, जब हम उस ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो कराएंगे एम्पिसिलिन मीडियम में और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, तो ये ग्रो करेगा. मतलब जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है सिंपली दोनों जगह में ग्रो करेगा, पर रिकॉम्बिनेंट सिर्फ एम्पिसिलिन रीजन में ग्रो करेगा क्योंकि एम्पिसिलिन ने अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी लूज नहीं किया. पर कौन लूज किया? टेट्रासाइक्लिन. तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, वेयर एज अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. क्लियर है? तो दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम बना रहे हैं तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों एंटीबायोटिक का होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए इनको सिलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है. ये सिलेक्ट करता है कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाया और कौन सा नहीं. सो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए कम्बर्सम प्रोसेस. मतलब ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करना है उसको डीएनए को ला के एम्पिसिलिन के ऊपर और टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है. तो आजकल क्या किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच इज डिफ्रेंशिएट to produce color in the presence of differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability. ठीक है, जो कि help करता है recombinant को non-recombinant से अलग करने के लिए उनकी ability के हिसाब से. मतलब chromogenic substrate जिसको बोलते हैं color produce करना. So यहाँ पे therefore alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. ये याद रखना है कि a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. This results into inactivation of the enzyme. जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सीक्वेंस में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंट्री कराएंगे तो वो इनएक्टिवेट कर देगा उस एंजाइम को, जिसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ये क्वेश्चन भी आएगा दो नंबर में कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है. सीधा लिखोगे व्हेन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ An enzyme beta galactosidase, this results into inactivation of the enzyme. वो enzyme को वो inactivate कर देगा. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं insertional inactivation. The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. अगर insertion नहीं होगा तो blue color की colony form होगा, ठीक है, plasmid में. Presence of insert results into insertional inactivation of
The egg cap galactosidase and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. तो so simple. अगर color produce करेगा तो वो non recombinant है. अगर color produce नहीं करेगा, ठीक है, अगर color presence of insert results into insertional inactivation of the egg cap galactosidase. ठीक है, तो जिस साइड से suppose presence of insert insertion हुआ है कि नहीं, results into insertional inactivation. क्या result है? Insertional मतलब उसके अंदर से entry करने की वजह से वो enzyme inactive हो गया. And the colonies do not produce any color. ठीक है, so जो color produce नहीं किया उसको हम identify करेंगे as recombinant colonies. तो पहले एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के ऊपर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग किया गया जानने के लिए रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है. फिर उसके बाद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के हेल्प से जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लिया गया, फिर एक कैप गैलेक्टोसाइडेज को लिया गया. तो एक में ब्लू कलर कॉलोनी का प्रोड्यूस हुआ. तो ब्लू कलर कॉलोनी जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ, डज नॉट हैव एन इंसर्ट. So presence of insert results into inertional inactivation of A cap galactosidase and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. So for today this is all about your topic. Next we'll discuss about vectors for cloning genes in plants and animals.